वो इस तरीके से मुझे मारने की कोशिश की। अरे यार लकी, कितना गंदा मजाक किया है किस्मत ने मेरे साथ। क्या मैं इतना बुरा हूं? इतना दिल दुखाया मैंने लोगों का कि नहीं संस्कार, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है तुमने। तुम्हें पता है भगवान बार बार उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा में खड़े उतरते हैं। भगवान को पता है तुम और स्वरा बहुत हिम्मती हो और इसीलिए वो जानते हैं कि तुम उनके सारे गम सह जाओगे। भाई तू ये सोच, जिसकी सबने लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी आज वो हमारे साथ है, हम सबके बीच में है। संस्कार ये तेरा प्यार ही तो है जिसने स्वरा को इतनी हिम्मत दी कि वो मौत से लड़कर तेरे पास वापस आ गई। ऐसे रोते ना संस्कार, देख छोरे तू हिम्मत ना हार संस्कार। आज तक हम लोग ने हर मुसीबत का डट के सामना किया, ना जे पल भी कैसे निकल जाएंगे ना कुछ पता ना चलेगा। अभी चल के सौरा का वापस लेकर आते हैं। नहीं माँ, उसे उन्हीं के साथ रहने दो जिन्हें वो पहचानती है। ऐसा ना हो कि मेरे रिश्ते के चक्कर में मैं स्वरा को ही खो दूं। लेकिन वो थारी भींजणी है छोरे, उससे पहले वो स्वरा है। मो संस्कार ठीक कह रहा है, जैसा आप लोग ठीक हो। लकी कहाँ गया? तेरा दुपट्टा, एक हवा का झोंका तुझसे तेरा दुपट्टा थोड़ी देर के लिए दूर तो कर सकता है पर छीन नहीं सकता। ये तेरी अमानत है जो तेरे पास ही है, तो परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो हम उसे कहेंगे आगे से लेफ्ट आजा तो ठीक हो जाएगा। हमारी बहू है, हमारे बेटे संस्कार की पत्नी। थैंक यू सो मच साहिर, मेरी स्वरा को बचाने के लिए। स्वरा मेरी जिंदगी है। साहिल,
का? मैं ठीक हूं मां। कौन सा ये पहली बार हो रहा है? गलती मेरी है। साहिल को कोई हक नहीं समुद्र की लहरों से दोस्ती करने का, क्योंकि अभी तो वापस लौटना ही है ना। वापस समुद्र मेरी भी तो गलती है, मैंने ही तुझे बढ़ावा दी। नहीं मां, गलती करने का क्या फायदा? बस यूं समझो कि वो आई थी, जिंदगी देकर चली गई, टूटे साहिल को जोड़ कर चली, उसमें जान देकर चली। तभी तो देखो आज मेरे हाथ में है गिटार। दुखी सही, पर कोई तो इमोशन है जो मैं आज फील कर सकता हूं। बेचारी, कैसे जिंदगी है उसकी, उसका प्यार उसके सामने है और उसे पता भी नहीं चल रहा। हाँ वही तो हाल मेरा भी है। बेटा, जब से तुमने मुझे स्वरा के बारे में फोन पे बताया, मुझे ये लग रहा है कि वो अकेली है, बिल्कुल अकेली। नहीं मां, वो अकेली नहीं है, मैं हूं उसके साथ और हमेशा रहूंगा, परछाई बनकर। खाना खा लो। अच्छा बेटा, खाना खा ले। रागिनी माँ, वो लोग कौन थे? और वो खूनी यहाँ पर क्या कर रहा था? उसे क्या चाहिए मुझसे? स्वरा, ये शांत हो जा। नहीं, मुझे जानना है वो लोग जो यहाँ पर आए थे वो कौन थे और वो खूनी उनके साथ क्या कर रहा था। और वो अभी भी यहीं पर है, कहाँ है वो? स्वरा, स्वरा वो चला गया है, वो वापस नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो, ये शांत हो जा, हम तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे बता देंगे। अब तुम खाना खा। मतलब मैं कुछ भूल गई हूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हें सब याद आ जाएगा। मां, हम अभी भी शेखर अंकल के घर में क्या कर रहे हैं? हम हमारे घर में क्यों नहीं है? तुम्हारी माँ और हमारे पापा ने शादी कर ली है। क्या तुम सच कह रही हो? मेरी माँ ने तुम्हारे पापा से शादी कर ली? मुझे ये सब कुछ याद नहीं है माँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग एकदम खाली स्लेट की तरह है, मुझे क्यों याद दिया? स्वरा, हमें देखो, अब हमारी बात सुनो। माँ और पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अब उन्हें एक दूसरे में एक साथी नजर आया है, इसलिए इन दोनों ने शादी कर ली। अब ये खुशी की यादें
तुम अपनी खाली स्लेट में लिख दो और अपनी खाली स्लेट की शुरुआत एक खुशखबरी से कर दो। अब इसके आगे हम तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। ठीक कह रही बेटा। रागिनी, तुम्हारी भी शादी हो गई? तुम्हारा पति कौन है? मैं जानती हूँ उसे। स्वरा, डॉक्टर ने कहा है ना, हर एक चीज हमें आराम से करनी है। अब तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हम माँ, पापा, दादी माँ, दादाजी, दीदा, तुम्हारा बस इतना ही परिवार है। माँ, दीदा, दीदा का जो नाम मैंने बताया ना बेटा, दीदा अभी भी वहीं पर है, पर मैं उन्हें ये सब बता के उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। सर भारी लग रहा है। तू सोचा? अच्छा, मैं तुझे आज डोली गाकर सुनाऊंगी। ओके, अच्छा। माँ, आप जाइए, हम स्वरा के साथ। दुर्गा प्रसाद जी के दोस्त न्यूरोलॉजिस्ट हैं और उनका ऐसा कहना है कि स्वरा को ऐसे लोगों के साथ रहने दिया जाए जिन पर वो भरोसा कर सकती है। अब ऐसे में जब उसे कुछ याद ही नहीं है, अगर उसे ये बता दिया जाए कि जिंदगी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसकी शादी हो चुकी है और जिसे वो अपना कातिल समझ रही है वो उसका पति है, तो ऐसा करना तो खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक कह रहे हो शेखर। स्वरा कैसी? वो ठीक है। ये दुर्गा माँ, प्लीज मेरी याददाश्त जल्दी से वापस आ जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं? प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए
जिससे मेरी लाइफ वापस ट्रैक पर आ जाए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिले। म्यूजिक तुम्हारा सहारा बना। म्यूजिक तुम्हें हिम्मत देगा।